रीवा जिले से है, जहां मोरबी गुजरात जैसे बड़े हादसों को रोकने रीवा इको पार्क झूला पुल के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाए जाने मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों सहित रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, महापौर, आयुक्त, नगर पालिक निगम एवं समस्त पार्षद साथियों को ज्ञापन पत्र भेजकर बीहर नदी में बन रहे इको पार्क झूला पुल निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग के साथ सहयोग की अपील की है। ज्ञापन के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बीहर नदी के टापू पर इको पार्क एवं झूला पुल बनाए भाजपा सरकार के स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा सन 2013 में 30 वर्ष के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसका भूमि पूजन भी सन 2013 में किया गया था। प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत लगभग 19 करोड़ रुपए थी, जिसके लिए राजस्व एवं वन भूमि सहित निजी स्वत्तों की भूमि मिलाकर कुल 5.783 हेक्टेयर रकबा अधिग्रहित किया गया था। उक्त प्रोजेक्ट को 3 विभागों ने, वन विभाग, नगर निगम विभाग तथा इको पार्क टूरिज्म बोर्ड ने मिलकर तैयार किया था, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल से इंदौर की रुचि रियलिटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था, जो चालू होने के पूर्व ही 19 अगस्त 2016 को शहर में आई बाढ़ में जमींदोज होकर बह गया था। शायद गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने चालू झूला पुल की तरह हादसा होता, जहां सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं, तो शायद गुजरात झूला पुल हादसे से ज्यादा नागरिक रीवा इको पार्क झूला पुल हादसे में मौत का शिकार हो गए होते। इसके बाद भी स्थानीय पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। वह विवादित इको पार्क प्रोजेक्ट को बार बार चालू कराने में लगे हुए हैं, जो बड़े हादसे को आमंत्रण है। 19 अगस्त सन 2016 को शहर में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए से निर्मित झूला पुल एवं इको पार्क प्रोजेक्ट के जमींदोज होकर बह जाने को लेकर सन 1997 की भीषण बाढ़ का जिक्र करते हुए जनता दल सेक्युलर ने 1 सितंबर 2016 को धरना प्रदर्शन उपरांत कमिश्नर रीवा के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निर्माण एजेंसी, ठेकेदार, इंजीनियर व अन्य दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने एवं ब्याज सहित लागत खर्च राशि वसूली के साथ साथ निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने तथा भविष्य में ऐसे मौत के झूला पुल इको पार्क का निर्माण न कराया जाए की मांग की गई थी। तब तमाम जांच पड़ताल एवं आगे आने वाले बाढ़ खतरों को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने मार्च 2019 में उक्त प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी पुराने हादसों को नजरअंदाज करते हुए पूर्व मंत्री की जिद से फिर उसी जगह रीवा बीहर नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट के तहत मौत के झूला पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका मैंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया, जहां पूर्व के पिलरों पर ही करोड़ों की लागत से गुणवत्ता विहीन सामग्री के साथ निर्माण कार्य चल रहा है, जो बड़े हादसे को आमंत्रण है। श्री सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री सहित मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि 1 सितंबर सन 1997 को रीवा जिला जब भीषण बाढ़ की चपेट में था, उस समय बाढ़ की समीक्षा एवं बाढ़ के कारणों की जांच शासन स्तर पर कराई गई थी, जिसमें बीहर बराज एवं बकिया बराज के गेट समय रहते न खोला जाना मुख्य कारण था। तब उसी समय रीवा में बाढ़ रोकने और भी योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें बरसात के समय चौकसी तथा बीहर विशिया नदी का गहरीकरण एवं चौड़ीकरण के साथ साथ नदी क्षेत्र में जो भी निर्माण होंगे वह सभी सन 1997 की बोर्ड त्रासदी की समीक्षा के बाद ही होंगे। लेकिन 1997 के बाद इको पार्क झूला पुल सहित तमाम पुल पुलियों का जो भी निर्माण कार्य हुआ, कहीं भी 1997 की त्रासदी का जिक्र नहीं किया गया। पूर्व की फाइलों को काल कोठरी में बंद कर दफन कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि 19 अगस्त सन 2016 सहित कई बार जिलेवासियों को बाढ़ त्रासदी का सामना करना पड़ा तथा तमाम जनधन की हानि हुई। सन 1986 और 1987 में बड़ी पुल यानी विक्रम पुल का निर्माण तत्कालीन इंजीनियरों द्वारा रीवा किले की जमीन की ऊंचाई सीमा रेखा से कराया गया था और सन 1997 की बाढ़ का आकलन यहां के शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को था। इसके बावजूद भी जब छोटी पुल का निर्माण कार्य कराया गया, तब उसकी ऊंचाई बड़ी पुल से 5.41 मीटर कम कर दी गई, साथ ही लंबाई भी कम कर दी गई, जिसका परिणाम था कि सन 2016 की बाढ़ में छोटी पुल पूरी तरह से प्रभावित रही है।
इसी तरह करहिया एवं अजगरहा बाईपास पुल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बड़ी पुल से काफी कम कर दी गई है, जिससे बरसात के मौसम में पानी के ठेक लगने से पूरा रीवा शहर जलमग्न हो जाता है। इन सब निर्माण कार्यों के बाद झूला पुल का निर्माण कराया गया था, जो बड़ी पुल एवं छोटी पुल की ऊंचाई से काफी कम था, जिसका परिणाम था कि झूला पुल शुरू होने के पहले ही जमींदोज होकर बह गया तथा जहां इको पार्क का निर्माण कार्य फिर से कराया जा रहा है, वह टीला कई बार बाढ़ विभीषिका में बुरी तरह डूब चुका है। ऐसे में शत प्रतिशत यह स्पष्ट है कि झूला पुल चालू होने से गुजरात जैसी बड़ी घटनाएं होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री सहित आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि ऐसे विनाशकारी विकास कार्यों पर रोक लगाए जाने में अपना सहयोग एवं समर्थन करें, ताकि आगामी रीवा में संभावित बड़ी जनधन हानि को रोका जा सके। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बीहर नदी पर बन रहे इको पार्क झूला पुल को लेकर के मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय एवं नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एवं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, महापौर रीवा, नगर निगम आयुक्त रीवा एवं सभी पार्षद गणों को मैंने पत्र लिख करके ये निवेदन किया है कि जिस तरह से रीवा का झूला पुल सन 2016 की आई बाढ़ में चालू होने के पहले जमींदोज होकर के बह गया, चालू हो गया होता तो गुजरात मोरबी से भी बड़ी घटना रीवा के अंदर होती। लेकिन यहाँ पूर्व मंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ल जी लगातार अपनी जिद पर हैं उस पुल को बनवाने के लिए। लेकिन हमारा कहना है कि हम सारे लोगों को पत्र भेज दिए हैं और सबसे मैं निवेदन करता हूँ, पूरे रीवा के आवाम से निवेदन करता हूँ कि यदि रीवा को बचाना है इस बड़े हादसे से तो इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।